नमस्कार। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सेंटर लेने के बाद डिग्रीज कैसे ली जाती हैं और शक्ति चक्र कैसे लगाया जाता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, डिग्रीज कैसे ली जाती हैं या डायरेक्शन कैसे देखी जाती है या 16 दिशाओं में एक घर को, एक दुकान को, एक मकान को विभाजित कैसे किया जाता है। वास्तु के अंदर 4 या 8 दिशाएं सबने सुनी होती है, पर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि 16 दिशाओं में एक घर को कैसे डिवाइड किया जाए। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आपको डिग्रीज लेनी आनी चाहिए। डिग्री का एक्चुअल मीनिंग क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ को छोड़ के आपका घर कितने डिग्री पर अलाइंड है। नॉर्थ पर, साउथ पर, ईस्ट पर या वेस्ट पर फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ करना है डिग्री पर। तो डिग्री पर फोकस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी घर आपका है, लेट्स से कि मेरे पास ये वाला घर है जिसका सेंटर मैंने आप लोगों को लेना सिखाया था। जब भी आप किसी प्रवेश द्वार में खड़े होंगे, जब भी आप किसी एंट्रेंस में खड़े होंगे, उसी एंट्रेंस के सामने खड़े होकर आपने सबसे पहले अपने हाथ में कंपास को निकाल लेना है। जैसे ही आप अपने हाथ में कंपास को निकालेंगे, उसके बाद उस पर कुछ डिग्रीज लिखी हुई आएंगी। मैं फिर से बता दूं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ पर फोकस नहीं करेंगे, उन डिग्रीज पर फोकस करेंगे। कहां पर खड़े होकर, गेट पर, उस घर के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर। जैसे मान लीजिए ये जो मकान है, इस मकान के गेट पर मैं अभी खड़ा हूं और मेरे सामने यहां पर उसका गेट है। मैंने अपने हाथ में फोन का कंपास निकाला और उसके ऊपर कुछ 92-93 डिग्रीज आई। ये जो कंपास होता है, इस कंपास में कुछ डिग्रीज बनी हुई आती हैं, आपको वो देखनी है। हमेशा अपने हाथ पे इस कंपास को इस तरीके से रखना होता है। जो डिग्रीज आई, जो भी डिग्रीज आई, जिस भी मकान में आई, आपको सिर्फ डिग्री पर फोकस करना है। मेरे पास जो डिग्री निकल के आ रही है, 93 डिग्रीज आ रही है। अब सारा रोल वास्तु में इस डिग्री का होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ पर फोकस ना करते हुए इस डिग्री पर फोकस होता है। अगर मेरा गेट यहां है तो भी 93 आएगा, मेरा गेट यहां है तो भी 93 आएगा, मेरा गेट यहां है तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 180। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा गेट इसकी जगह यहां है तो प्लस हो जाएगा 180 डिग्रीज। इसी तरीके से अलग अलग डिग्रीज ली जाती हैं। तो आपको इस गेट पर मैंने फोकस किया तो मेरे पास आई 93 डिग्रीज। ऐसे ही जिस भी मकान की डिग्रीज आप लेने वाले हैं, आप गेट पर खड़े होकर डिग्रीज को ले लेंगे या गूगल अर्थ प्रो में फेसिंग को मानते हुए। हम फेसिंग क्या कहते हैं, मेरी फेसिंग इस तरफ है तो मैंने डिग्रीज निकाल ली 93। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने इस मकान को, जो भी मैंने सेंटर लिया था, मैं एक बार फिर से आइडिया लगा लेता हूं कि यही इस मकान का सेंटर है। इस सेंटर से जिस तरफ मैंने फेस किया था डिग्री लेते हुए, मैंने फेस किस तरफ किया था, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा फेस यहां था, अगर मैं यहां पे खड़ा होता तो भी मेरा फेस यहां होता, लेकिन मुझे हमेशा सेंटर से ही उस तरफ एरो मार्क कर लेना है। अगर मेरे घर का प्रवेश द्वार यहां होता तो मेरा फेस इस तरफ होता। इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी शक्ति चक्र लगाने वाले हो या डिग्रीज लगाने वाले हो तो आपका फेस किस तरफ था, ये याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस नक्शे के अंदर मेरा फेस यहां था तो मैंने उसी तरफ फेस करने के बाद डिग्रीज को लगाने की कोशिश की। आप सभी के पास ये जो नक्शा है, ये आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए और इस तरीके का एक शक्ति चक्र आता है, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। इस शक्ति चक्र को ही आप उस पे लगाएंगे तभी 16 दिशाओं में आपका घर इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसको कैसे मार्क करते हैं शक्ति चक्र को, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये सेंटर है, ये वो लाइन है जहां पे हमने फेसिंग करी थी, ये वो 93 डिग्रीज है। ये मेरा शक्ति चक्र आया, मैंने शक्ति चक्र को लिया और सेंटर से सेंटर को मिला दिया। सेंटर से सेंटर को मिलाने के बाद 90 डिग्रीज को इस लाइन पर अलाइन कर दिया। ये 1, 2 और 3, 93 डिग्रीज को मैंने इस लाइन पर अलाइन कर दिया। आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं, आप नोटबुक के अंदर जाएंगे, नोटबुक के ऊपर अपनी तरीके से, अलग अलग तरीके से शक्ति चक्र को लगा सकते हैं। सेंटर से सेंटर मार्क किया 93 डिग्री को मैंने ऊपर की तरफ, जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिस तरफ मैंने फेस किया था वहां मार्क किया। वहां मार्क करने के बाद सारा घर का वास्तु आपके सामने
आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, घर में टॉयलेट कहाँ है, साउथ के अंदर है. घर में रूम कहाँ है, साउथ ईस्ट के अंदर है. घर में दूसरा रूम कहाँ है, साउथ वेस्ट के अंदर है या साउथ साउथ वेस्ट के अंदर है. घर में किचन कहाँ है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर है. इस तरीके से पूरे घर को इक्वल 16 पार्ट में आप बहुत ही इजिली डिवाइड कर सकते हो. उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक टू द स्केल नक्शा, उसका सेंटर और साथ में एक शक्ति चक्र, जिसकी हेल्प से आप एक घर को बखूबी 16 दिशाओं में मार्क करते हो और फिर अलग अलग दिशाओं के गुणधर्म के हिसाब से आ रही प्रॉब्लम्स को मैप करते हो. आने वाली वीडियोस में हर दिशा के अंदर क्या होने से क्या प्रॉब्लम आती है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा. थैंक यू वेरी मच. बने रहिए. लॉट्स ऑफ लव.